क्योंकि जो स्पिरिट दे रहा है फिर वो भी एफआईआर के लपेट में आएगा। जी सर, जी सर, दे रहा है जी सर, क्योंकि ये दूसरा तीसरा आई थिंक हो गया, ये केस चौथा हो गया सर, चौथा हो गया इस तरह का, चौथा हो गया सर, ये पता लगाना जरूरी नहीं चढ़ेगा केस। इतना बड़ा ड्रंक कैसे ला सकता है यहाँ पे? लेकिन ये 96 डिस्टिलरी से जो बनती है, ये एक्टिफाइड स्पिरिट होती है सर, 96 डिग्री की होती है। इनको कैसे प्राप्त होगी ये सर? ये यूपी से डिस्टिलरी से निकलवा लेते हैं सर। वो तो ये भी स्मगल होके आई है, स्मगल होके आई, स्मगल होके आई है, स्मगल होके अब ये होलोग्राम नकली है, होलोग्राम कहीं से मिल रहा है? नकली है सर, होलोग्राम ही नकली है। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, कैसे पता चल रहा है होलोग्राम नकली है? हमारे ओरिजिनल वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट प्रिंटिंग है, ये कट ली है सर, ये कट ली है और प्रिंटिंग लिखा भी आता है कंट्री स्पिरिट। और ये लेबल नकली होगा? नहीं सर, ये पुराना लिया है सर, ये जैसे पुराना लिया है। अच्छा, बेसिकली ये पुरानी बोतलें कहीं से कबाड़ी से लिया है, कबाड़ी से लिया है। उसके बाद अब ये गॉड ओनली नोज की भर क्या रहा है जी सर, असल का कोई कोई। और ये सर कलर है इसमें तो, लेकिन स्पिरिट की स्मेल इसमें नहीं आ रही। आप बताओ समय से चला हो सकता है? हां सर, ठंडा लगेगा सर हाथ में? नहीं सर, काफी दिनों जो दूसरे में हाथ में ठंडा लगेगा सर। ये है, ये इसमें है, इसमें स्पिरिट कब लास्ट डेट काफी ठंडा लगेगा इसमें। तो मैं अभी मायापुर की तरफ को हूँ, थोड़ी देर में आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगा तो बात कर लेंगे। मायापुर में जाना है बनाओ उसमें जो है थोड़ा खाली हो खाली बात हां मायापुर में रहेंगे। इसे दिखाओ जरा, खाली बोतलें भरी ये वाली सर? खाली बोतलें नहीं, नहीं खाली से मेरा मतलब मैंने कट्टे में ये बेसिकली इतनी बोतलें तो ना कहीं कबाड़ी वबाड़ी से कबाड़ी से कबाड़ी से तैयार कर लिया था उसने। ये स्पिरिट की स्मेल तो नहीं हो रही सर? स्पिरिट सर खुद में खाई, इसमें स्पिरिट स्पिरिट में तैयार कर लिया सर इसने मान लिया। ये बन चुका पूरा का पूरा नक्शा, ये सारा बना हुआ रखा है। लेकिन एक चीज है कि ये जो इसमें तो इतनी क्लैरिटी है नहीं, इसको ये तरह क्लियर कैसे हो रहा है? होंगे इक्विपमेंट दिखाओ, कुछ और मिलाते होंगे नहीं उसका इक्विपमेंट, इसका इतने इसको साफ करने को इसके बस गया तो केमिकल होगा या इक्विपमेंट होगा? वो कहाँ है ये वो कहाँ है बंदा, उसको रखा हुआ है? नहीं नहीं अच्छा, लेकिन ये कमरा किसका है, घर किसका है? प्लॉट पता करवा लो किसका है, ठीक है ना? उसको एफआईआर तो उसी की होगी, उसी की होगी, प्लॉट के मालिक की, प्लॉट के मालिक की। ये आप कह रहे स्पिरिट है, सब कुछ में निकालो सर, निकालो, ये तो काफी स्ट्रांग, ये माल बन चुका है, ये माल बन चुका है, इसको निकालो। अब जैसे फॉर दैट मैटर आप यही माल जो देख रहे हैं, ये वाला माल जो है आपका, अच्छा ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट से मिल रहा है आपके रहने सर, और ये आपके सबसे होलोग्राम नकली है? ये होलोग्राम नकली है सर। लेकिन एक बात बताओ, ये वाली जो बोतल है एकदम निकाल रहे सर, इतनी मतलब कैसे इस शेप में क्यों है ये? ये माल तो तैयार कर चुका ना ये जी सर, ऐसा क्यों है ये इतना मटमैला? नहीं ये कट्टों में दे रहे होंगे कहीं, कट्टे कट्टे में रखे होंगे, कबाड़े सीमेंट के कट्टे थे सर, बाहर कुछ में डाला है। इसमें जो बहरहाल पेटी में है ये एकदम सही है, ये साफ कपड़े सही होते होंगे, ये कपड़े से साफ कपड़े, ये वाला तैयार माल है ना, ये बिल्कुल फिनिश्ड है। अब ये भी पता लगाना है कि ये बिक रहा है दुकानों में या ये किसी और तरीके से बिक रहा है सर? ये बेसिकली क्या करते हैं, जो शहर में जो जो थोक में जो इलिसिट जो बेचते हैं सर, तो वहाँ इलीगल तरीके से वहाँ उनको सप्लाई करते हैं। इसका नहीं पता चल पा रहा ना प्लॉट का मालिक कौन है? अभी 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 तो पहुंचे सर, पहुंचे सर, आप पता करेंगे जांच में इसकी। इसका बेड खोल के देखा? देख लिया सर, सब कुछ देख लिया। इससे क्या है और क्यों ये सब तो साफ करने वाले के लिए? ये वो है तारपीन का तेल है। अच्छा, कछुआ से पकड़ लेती रात भर काम करते होंगे, अच्छा होगा। इसे खोलो, इसे खोलो, खोलो दीवान से। ये तो कमरा लगता है बनाया इस पर्पस के लिए है, तो कमरा टेम्परेरी इसलिए बना है ना। अंदर चेक कर दिया, लेट अस सी व्हाट इज हियर। इसमें ये खाली 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 ये टॉयलेट बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन घर है या
ये मुझे लगता है बनाया इस पर्पस के लिए, इसी पर्पस के लिए बनाया है। अभी लिपल है तो जानकारी हो जाएगी इससे। इसमें भी कच्ची ये वाली बोतलें, इसमें पक्की तैयार एक दो तीन चार पाँच। लेकिन एक और चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि बोतलें पुरानी ले रहा है सर, और पुरानी बोतलों में नई पैकेजिंग कर रहा है जी सर, लेकिन लेबल तो एकदम ही फ्रेश लग रहा है। 2017 अगस्त 17 जुलाई सर न्यू जुलाई ना। बहुत ही नई कंडीशन में है ये तो, जनपद हरिद्वार हिंदू ईयर 18-19 मसालेदार देसी शराब, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी नकली छपा रहा है? नहीं सर, ये ओरिजिनल, ये पौवे मार्केट में यूज हुआ है, पौवा ओरिजिनल है, ये वाला लेबल भी ओरिजिनल है और होलोग्राम नकली है, होलोग्राम नकली है, फीलिंग नकली है। होलोग्राम की तो आप रीड करते हैं, बार कोडिंग होती है सर, उसको पता चल जाता है सर। हम आप इसको रीड कर सकते हैं, एक मेरी गाड़ी में स्कैनर से, एक गाड़ी में पड़ा है सर, मैं लॉकर स्कैनर होगा ना, एक गाड़ी में पड़ा था आज मैं लेके आता हूं सर। नहीं नहीं, होलोग्राम स्कैन होता है सर, स्कैन नहीं होता सर, ये सीरियल होगा सर, उसमें सीरियल नंबर नंबर दिखाओ, लेकिन जो ओरिजिनल होगा इसमें भी है सर सीरियल, ये इधर कहीं होगा ये दिखा ना, लेकिन हमारी सीरियल अलग है, अभी आपको एक ओरिजिनल दिखाएंगे तो आप ये मतलब होलोग्राम ही नकली है ना सर, खुली आंखों से ही पता चल जाएगा कि अलग। बड़ा मुश्किल पता लगा अपन। एक और चीज पता नहीं चल रही है इस वाले कमरे में, इसको सील करने की भी तो कोई चीज होगी? ढक्कन जो भी निकालो, अंग्रेजी भी बना रहे नकली है, सब पिकनिक ही है, पिकनिक की सेल वैसे डिस्ट्रिक्ट में है हमारे, सब पिकनिक की ही सेल है सर, पिकनिक की सेल बड़ी है, अदरवाइज ये माल आता कहां से पिकनिक में? पुरानी बोतल में नहीं जा रहा है, एक दो तीन ये पेटी तैयार कर चुका है, ये जगह जगह पड़ी थी, चौदह पेटी नकली शराब की, और फॉर्जरी का भी बनेगा, फॉर्ज तो कर रहा है होलोग्राम, सरकारी है, सरकारी होलोग्राम को फोर्ज कर रहा है। इसमें जो इसने डाला है, इसमें एक तो ये स्पिरिट आ गया जी सर, और क्या मिलाया तो इसमें स्पिरिट सर 96 डिग्री की होती है, तो इसमें 1/3 वो रहा होगा और 2/3 पानी रहा होगा सर इसमें, पर स्पिरिट का ऐसा कलर तो नहीं है ना? नहीं सर, उसमें फिर ये कलर डाले हैं सर। अच्छा ये दिखाओ ना कलर, ये कलर है सर, फ्लेवर ऑफ वाला दिखाओ यार, कलर कौन सा फाइंड आउट मिल कहां से आई है इसकी, इस सेल मार्केट में इसकी कलर की ऑरेंज स्वीट थ्री स्पेशली ये फ्लेवर है सर, ऑरेंज स्वीट थ्री आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, ये फ्लेवर आ गया और शेक वेल, ये सब कैरेमल है सर, ये अदरवाइज जो ये ग्लाइकॉल में जो यूज हो रहा होगा काशीपुर में उसमें ये कलर यूज होगा क्या सर? बेसिकली सर उनका अपना होगा जो भी ब्रांड है, ये थोड़ा सा उसका टेस्ट लाने के लिए ऑरेंज का फ्लेवर डाल दिया, ये कैरेमल है सर, रोहित इंडस्ट्रीज दिल्ली रोड मेरठ का मैन्युफैक्चरर है ये, इसकी देखो मैन्युफैक्चरिंग कब की जरा, चलो इसमें भी घोटाला जिस हिसाब से इसमें फंगस लगा हुआ है आज का तो लग नहीं रहा, ये इतना बड़ा ड्रंक कैसे ला सकता है यहाँ पे? लेकिन सर मुजफ्फरनगर से या मेरठ से लेकर के आते हैं, इसमें बना क्या स्प्रिट है, स्प्रिट है, स्प्रिट बनाते हैं, इससे डुप्लीकेट बनाते हैं बेसिकली, यहाँ पे ये असेंबल हो रहा है सब चीजों को मिला के सारी चीजें। एक चीज लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि जो ये आपके होलोग्राम है इसका भी कहीं ये पहले से चिपका के ही लगा है? नहीं सर, चिपका जैसे सर, एक तो कहीं गट्ठा मिला आपको पड़ा हुआ है सर? वो नहीं मिला सर, वो जैसे सर ये तो पहले का लगा हुआ है, ओरिजिनल वाला है हमारा, ये ओरिजिनल वाले को भी यूज कर रहा है कभी-कभी, हो सकता है किसी में जैसे लगा रह गया इसमें, हां उसको भी यूज कर ले रहा है, कबाड़ दूसरी ये कंपनी में भी वापस लिया था, रिसाइकल होते हैं ये, दिखाना भी जरा आपदा वाला टॉर्च कैसे काम करता है, टॉर्च पर काम कर रहा है, शराब बनाने की फैक्ट्री में भारी मात्रा में शराब बनाने के लिए
ये टोटल आपका जो ये स्पिरिट है सर कितने लीटर है सर? ये 100 लीटर का ड्रम, अभी 100 लीटर होगा। कॉस्ट कितनी होगी इसकी सर? इसकी हाँ हाँ ओके, ये तो इनको मालूम है, चौहान जी तो मौजूद है, मेरे से घर है, चौहान जी जानते हैं इसको, जानते ना इसको, इसको नहीं जानते। इसकी कॉस्ट कितनी होगी लगभग इस स्पिरिट की? स्पिरिट की सर 2 लीटर, ये लगभग सर 200 रुपए लीटर से ज्यादा की हो जाएगा। 200 रुपए लीटर? 200 रुपए लीटर होगी। लीटर इसमें कितना होगा सर? इसमें 200 लीटर आता है सर वैसे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 100 या 150 लीटर नहीं, अदरवाइज लाया तो पूरा ही भर के होगा ना? ये पूरा भर के लाया होगा सर। तो 200 लीटर आता है इसमें सर? 200 × 200 जी सर। 1 लीटर 200 के बताइए ना आपने? जी सर, जी सर। अच्छा, और ये इसकी मार्केट में इस पौवा कितने का मार्केट में होगा? ड्यूटी फ्री होगी ना, क्योंकि सर चोरी का निकाला होगा सर। कितने? 70 सर। अच्छा, एक शराब की फैक्ट्री पकड़ ली आज यहाँ पे इधर मिस्टरपुर में। ये मोर और लेस इस तरह की जगह है जहाँ पे कि नकली होलोग्राम, नकली शराब और असली बोतल उसका इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद ये आई एम श्योर मार्केट में जा रही है अलग अलग तरीके से। तो अभी तो जिसका प्लॉट होगा, ये 200 लीटर तो इसके पास स्पिरिट ही है। पेटियाँ कितनी है भाई? 14 पेटियाँ हैं, और बाकी अनगिनत बोतलें हैं वैसी वाली जिनमें अब बनती, जिनमें अब बनेगी वो भी तो कहेंगे मिस्टरपुर में है। अभी प्लॉट के मालिक का पता नहीं चल पा रहा है, और कमरे का भी पता नहीं चल पा रहा है किसका है, पर पता खैर आप तो बड़ा आराम से नहीं इसको, तो इसकी एफआईआर करवा देंगे प्लॉट के मालिक की। प्लॉट के मालिक एफआईआर हो जाएगी। टिकोला के रहने वाले हैं, मरून कलर की गाड़ी है, और वो अपने आप को सरकारी डॉक्टर बताते हैं। अपने आप को सरकारी डॉक्टर बताते हैं, समझता झूठ तो नहीं बोलते होंगे? नहीं मेरे ख्याल से। कितने बार आते थे ये प्लॉट में? ये लगभग मेरे ख्याल में तो उनको डेली देखता हूँ सर, हमारे सामने ड्रेस की दुकान आते थे लगभग, मतलब मैं तो डेली देखता हूँ, एक दो चक्कर उनका सीधा कभी निकलता है कभी अंदर आना। तो ये सेवा से अभी पता लगाइए, वाटिका लक्सर रोड पे वाटिका फार्म है, मरून कलर की मॉडल फार्म से लगभग 44 किलोमीटर आगे। तो मारुति या क्या है? मारुति अल्टो है सर। ऑल्टो है, कोई बता दे ऑल्टो। नंबर तो नहीं पता, नंबर तो नहीं पता कंपनी है, पर आते रोज है यहाँ पे लगभग एक दो दिन छोड़ के शायद मेरे को डेली लगता हूं हर दूसरे तीसरे दिन का रहूंगा। इतनी बड़ी यहां पे शराब ये बन रही है, इसका मतलब ये जानकारी उनको होगी जब? हां बिल्कुल होगी, 24 जब आते हैं हां, नहीं आके अपनी वाइफ के साथ भी आते हैं जो कहेंगे, क्योंकि वाइफ भी आती थी। और कहीं पे स्पिरिट्स वगैरह की सेल होती है इस तरह की क्या? अल्कोहल की? अल्कोहल की हां नहीं होती ना, ये दवाइयों में कहीं यूज होता हो? हां जी मेडिकल अस्पताल में। इसमें क्या करेंगे? लैब के पास रहते हैं ना, तो वो भी देख लीजिएगा, इस आदमी को कुछ ले आते हैं। ये सुनो प्रशांत, ये आपकी जो ये स्पिरिट की आप बात कर रहे हैं ये क्या है सर? रेक्टिफाइड स्पिरिट है सर ये। हाँ ये सर जो डिस्टिलरी में सबसे पहला जो प्रोडक्शन होता है शीरे से जो बनता है, तो ये इनके पास भी होता है क्या? ये दवाई की लैब के पास जहाँ दवाई बनती है, ड्रग फैक्ट्रीज सर इनके पास भी होता है सर? ये ड्रग फैक्ट्री जो सर बेसिकली जो सबसे इसमें सबसे अहम चीज तो यही है ना, ये स्पिरिट है, क्योंकि जो स्पिरिट दे रहा है फिर वो भी एफआईआर के लपेट में आएगा। जी सर, जी सर, क्योंकि ये दूसरा तीसरा आई थिंक हो गया, ये कैसे चौथा हो गया? चौथा हो गया इस तरह का, चौथा हो गया सर, ये पता लगाना जरूरी नहीं चढ़ेगा सर। वो जो छापा मारा है क्या पकड़ा है आपने? क्योंकि मिस्टरपुर में आप देख पा रहे हैं कि ये एक तरह से एक मकानी है जो मुझे लगता है कि केवल इस काम के लिए बना है कि यहाँ पे इल्लीगल तरीके से शराब बनाई जाए, इसमें स्पिरिट कहीं और का है, होलोग्राम्स जो प्रथम दृष्टया नकली लग रहे हैं वो कहीं और के हैं, बोतलें पुरानी हैं, सामने पेटी में इनको पैक किया जा रहा है, तो निस्संदेह ये मार्केट में जा रही हैं। इसमें कई तरह के ऑफेंसेस बन रहे हैं, पहला ऑफेंस तो होलोग्राम के मिसयूज़ का है, दूसरा जो स्पिरिट है बिना लाइसेंस के बाहर नहीं आ सकता ये भी इल्लीगल है, तीसरा ये भी नहीं पता कि ये जो इवेंचुअली जो शराब बन रही है इसकी कोई फूड सेफ्टी के हिसाब से कोई वैल्यू है भी या नहीं, हो सकता है कि ये पब्लिक हेल्थ हैजर्ड भी बहुत बड़ा हो। तो इन सभी ऑफेंसेस की हम एफआईआर करवा रहे हैं, और अभी प्लॉट के मालिक का नाम नहीं पता चल पाया है, ये प्लॉट के मालिक के नाम ही हम इसमें एफआईआर करवाएंगे और आगे कार्रवाई होगी। क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं सर यहाँ से? इसमें मौके से एक तो पुरानी बोतलें हैं जिनमें काम भरा जा रहा है, इसमें शराब भरी जा रही है, जो बोतलें बन चुकी थी तैयार हो चुकी थी संभवतः मार्केट में बिकने के लिए वो भी मिली हैं, एक 200 लीटर की जो स्पिरिट का जो आपका बड़ा सा ड्रम पड़ा हुआ है सामने ये भी मिला है, टेप मिला है जिससे इसको ये पैक कर रहे थे, और कुल मिला के आपकी कुछ आपकी खाली पेटियां।